नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 25 अप्रैल 2020 वार शनिवार के पंचांग के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है आज के पंचांग में। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम आपको आज के दिन का सही समय, जो कि सही कार्य करने का है, उसे बताएंगे। आज आपका दिन मंगलमय रहे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। तो साथियों, विक्रम संवत है 2077, शक संवत है 1942। आज की तिथि की हम बात करें तो द्वितीय तिथि है 11:51 तक, नक्षत्र है कृतकी का 8:58 तक, पक्ष है शुक्ल पक्ष, माह है वैशाख। अब इसके बाद बात करते हैं सूर्य व चंद्र की। तो सूर्योदय है 5:26 पे, सूर्यास्त है 6:26 पे, सूर्य राशि रहेगी मेष में। चंद्रोदय है 6:53 पे, चंद्रास्त है 8:28 पे, चंद्र राशि रहेगी वृषभ में। अब इसके बाद बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, जिसके अंतर्गत आप अपने सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:30 से 12:22 तक, अमृतकाल का समय है 6:20 से 8:05 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग का समय है 8:58 से 5:26 सुबह 26 अप्रैल तक। अब इसके बाद रवि योग का समय है 8:58 से 5:56 अप्रैल 26 सुबह तक। अब इसके बाद अशुभ मुहूर्त की बात करते हैं। अशुभ मुहूर्त के अंतर्गत दुष्ट मुहूर्त का समय है 5:45 से 6:37 तक और 6:37 से 7:30 तक। इसके बाद कालवेला का समय है 1:37 से 2:30 तक। इसके बाद कुलिक का समय है 6:37 से 7:30 तक। यम घंट का समय है 3:23 से 4:15 तक। कंटक योग का समय है 11:52 से 12:45 तक। यमगंड का समय है 1:57 से 3:36 तक। राहु काल का समय है 9:02 से 10:40 तक। इसके बाद गुलिक काल का समय है 5:45 से 7:23 तक। अब इसके बाद बात करते हैं व्रत और त्यौहार की। तो आज के दिन परशुराम जयंती है और है मासिक कार्तिकायी। तो साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।